नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज हम इस पुस्तक का 7वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। इस पाठ के अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक हैं जिनका भावार्थ मेरे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस पाठ का अंतिम शीर्षक देखने जा रहे हैं जो है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो शीर्षक है इस पाठ का तीसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का शीर्षक है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले अल्पसंख्यक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आइए हम इसे इस तरह से समझते हैं, अगर इसे हम पूरा एक भारत मानते हैं तो ये सबसे पहले हिंदुओं का राष्ट्र माना जाता था। यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे बाहरी आक्रमणकारियों का हमला हमारे देश में हुआ, और बहुत सारे ऐसे दूसरे देश भी थे जो व्यापार के सिलसिले में हमारे देश में आए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यात्राएं की और वो भी हमारे देश में आए, इस तरह से बाहरी देश जो थे वहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी हमारे देश में शामिल होते थे। सबसे पहले पूरा जो देश था वो हिंदुओं का देश माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रतिशत मुस्लिमों का हो गया, कुछ प्रतिशत जो है ईसाई धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, इसके बाद कुछ प्रतिशत सिख धर्म के लोग हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कुछ जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में हिंदुओं की जो संख्या है वो किसी भी और धर्म के लोगों से बहुत ही ज्यादा है। तो हिंदू जो है वो बहुसंख्यक कहलाएंगे और बाकी जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो हिंदुओं की तुलना में कम है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक हम कहेंगे मुस्लिमों को, सिख धर्म को मानने वाले लोगों को, ईसाइयों को, पारसियों को, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, ये सारे जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसीलिए ये अल्पसंख्यक जो शब्द है ये बार बार आएगा, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे, मतलब कि जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उनकी भी अपनी समस्याएं थी। मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी जिसके जो मुख्य नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब इनके बारे में भी क्या बताया गया है इन बिंदुओं के माध्यम से, आगे हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के अल्पसंख्यक। सबसे पहले हम भारत के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या को सांप्रदायिक समस्या नहीं कहा गया, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की अपनी समस्याएं थी, लेकिन इनकी समस्या जो थी वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो थे उनकी अपनी समस्याएं थी, यहाँ पर धर्म जो था वो इन समस्याओं का आधार नहीं था। इसके बाद है अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने पर जोर दिया गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यक जो हैं, चूंकि उनकी संख्या कम है तो उन्हें पूरा पूरा संरक्षण हमारे देश में मिलना चाहिए, और संरक्षण के साथ ही साथ उन्हें अधिकार भी दिए जाने चाहिए। आगे है, भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे। भारत के जो अल्पसंख्यक थे वो धार्मिक अल्पसंख्यक थे, धर्म के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक की संज्ञा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर यूरोप जो था वहां पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, लेकिन यूरोप के जो अल्पसंख्यक थे वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहलाते थे। यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक जो भेदभाव है उसके तहत वहां के लोगों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों में बांटा गया था। वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे, यहाँ पर हमारे देश के जो अल्पसंख्यक थे वो धार्मिक अल्पसंख्यक थे, उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हम नहीं कह सकते। भारत जातीयता की दृष्टि से विचित्र मिश्रण का देश है। यहाँ पर भारत में जो अलग अलग जातियों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और इस तरह का जो मेल है, इस तरह का जो विचित्र मिश्रण है, ये किसी और देश में देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है भारत की विभिन्न जातियों का परस्पर संबंध। यहाँ पर जिस तरह से हमें पता है कि भारत में अलग अलग जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं, अब इनके बीच में किस तरह का संबंध है वो हम देख लेते हैं। भारत में कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया। यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि सभी धर्मों का हमने खुलकर स्वागत किया है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर समय समय पर आए, उन्होंने अपने धर्म का भी यहाँ प्रचार किया, हमारे धर्म को भी उन्होंने खुले दिल से अपनाया, और भारत ने कभी भी किसी भी धर्म का विरोध यहाँ पर नहीं किया। सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई, और समय के साथ सभी धर्मों को जो भारतीय लोग थे उन्होंने समान रूप से उन्हें मान्यता दी, समान रूप से उसे महत्व दिया। विभिन्न जातियां एक दूसरे से मिल जाती,
भारत की संस्कृति और भारत की जो परंपरा थी वो इस तरह की थी कि बाहर से आने वाले जो लोग थे वो हमारी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। और इस तरह से जो अलग अलग जातियां जो हमारे देश में आती रहीं वो एक दूसरे से मिलजुल करके यहाँ पर सदियों तक रहीं। उनमें अंतर करना कठिन हो गया और उनमें जो मेल मिलाप था इतना गहरा था, इतना गाढ़ा था, और बाद में उनमें अंतर करना भी कठिन हो जाता था कि वो कहीं और से आकर के हमारे देश में रह रही हैं। जातीय सवाल भारत में कभी नहीं उठे, जात पात के जो सवाल थे वो कभी भी किसी ने हमारे भारतवर्ष में नहीं उठाया, सभी कोई मिलजुल करके हमारे देश में रहा करते थे। धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती थी, धार्मिक दीवारें धर्म को लेकर कभी कभार लोगों में बातचीत होती थी या विरोध होता था, लेकिन ये जो विरोध होता था कभी भी स्थायी नहीं होता था, कभी भी परमानेंट नहीं होता था, समय के साथ ये सारे विरोध जो है वो खत्म हो जाते थे। धर्म को इन जातीय भिन्नताओं के ऊपर रखा गया और जो जातीय भिन्नता थी, जातीय मतलब यहाँ पर जो हमारे देश में चार वर्गों में लोग बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन भिन्नताओं से भी धर्म को ऊपर रखा गया था, धर्म को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया था। धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति की जातीय पृष्ठभूमि, जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी धर्म से प्रभावित होकर के जो भारतीय लोग हैं वो अपने धर्म का परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी जो व्यक्ति थी उसकी जो जातीय पृष्ठभूमि थी, अगर वो वैश्य जाति से संबंध रखता था या वो क्षत्रिय जाति से संबंध रखता था, तो उसकी जातीय जो पृष्ठभूमि थी वो कभी भी खत्म नहीं होती थी, वो उसी भाषा का प्रयोग करता था। भाषिक विरासत जो है वो भी कभी नष्ट नहीं होती थी, वो स्वतंत्र था अपनी भाषा, अपनी जाति जो है उसको आगे बढ़ाने, वो कभी भी धर्म के परिवर्तन से खत्म नहीं होती थी। तो इस तरह से भारत में विभिन्न जातियों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। आइए आगे देखते हैं, धर्म के स्वरूप में बदलाव। अब धीरे धीरे धर्म के स्वरूप में बदलाव आ रहा था, जैसे जैसे राजनीति में धर्म की मिलावट हो रही थी उस तरह से धर्म में थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा जा रहा था। अब ये बदलाव क्या था, राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। अब जब भी कोई राजनीति से जुड़ी हुई बातें होती थी उसमें जो धर्म का स्थान होता था वो सांप्रदायिकता ले लेती थी, मतलब कि राजनीतिक मामलों में कभी भी किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता था। राजनीतिक तौर पर सभी जो नेतागण थे वो सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, कभी किसी एक धर्म की तरफदारी या किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा महत्व वो नहीं देते थे। संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ऐसा करने लगे, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे राजनीति में भी इस तरह के लोग शामिल हो गए जो अपने धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। और इस तरह से जो छोटी सोच वाले लोग थे, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग थे, उन्होंने अपने अपने धर्म को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक शक्ति और समुदाय को बढ़ावा देना था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की एकता को बनाए रखना नहीं था, केवल अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना था, और अपना जो उनका समुदाय था, अपने धर्म को मानने वाले जो उनके लोग थे, उनको सिर्फ बढ़ावा देना था। इसीलिए वो सिर्फ धर्म को आधार मान करके ही राजनीति करने लगे। वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी धार्मिक वर्ग का इस्तेमाल करते। अब यहाँ पर कभी कभी राजनीति से जुड़े हुए इस तरह के लोग आते थे कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपना काम निकालने के लिए वो किसी भी धार्मिक वर्ग का इस्तेमाल करने लगे, किसी भी धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करने लगे। जैसे जैसे राजनीति का धर्म के साथ जुड़ाव होता गया, धर्म का जो रूप था वो धीरे धीरे बदलने लगा, लोगों ने धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइए आगे देख लेते हैं, कांग्रेस द्वारा भारत में धार्मिक एकता बनाए रखने का प्रयास। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कि हमेशा से भारत में धार्मिक एकता बनाए रखना चाहती थी, और इसके लिए वो समय समय पर प्रयास भी कर रही थी। तो आइए देखते हैं कांग्रेस द्वारा किस तरह के प्रयास किए गए। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। कांग्रेस जो थी हमेशा सांप्रदायिकता को उसने महत्व दिया था, कभी भी वो किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देती थी, हर धर्म को वो समान मानती थी, और वो कोई ऐसा उपाय निकालना चाहती थी जिससे कि लोग जो हैं वो सांप्रदायिक बने रहे, उनमें सांप्रदायिक जो सोच है वो बनी रहे, और इस तरह के उपाय निकालने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहती थी और चिंतित भी रहती थी। वो हमेशा इस बात को लेकर के परेशान रहती थी कि भारत में जो एकता है वो
खतरे में ना आ जाए, जिससे भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सके। जिस देश में हर धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो वैसा देश प्रगति के मार्ग पर अवश्य ही आगे बढ़ेगा। और यही चीज जो है ये कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भारत जो है हमेशा प्रगति के मार्ग पर आगे जाए, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश जो है वो सांप्रदायिक बना रहे। इसके बाद है, कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर नेता हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो नेता थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और यहाँ पर बड़ी संख्या मुसलमानों की भी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हिंदू नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या मुसलमानों की भी थी, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले नेता भी यहाँ पर थे। इसके अलावा दूसरे धर्म जैसे सिख ईसाई को मानने वाले नेता भी शामिल थे। अब यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के अलावा सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कि बहुत सारे धर्मों को मानने वाले नेता जो थे वो शामिल थे और एक साथ वो कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा थी। अब यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, चूंकि वो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते थे, उनके ऊपर जो राष्ट्रीय एकता, भारत की जो एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। और यहाँ पर भारत की एकता को बनाए रखने से पहले उन्हें अपने आप में जो एक समन्वय है, अपने आप में जो एक एकता का भाव है, वो बनाए रखना बहुत ही आवश्यक था। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही थी। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या और उनका मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही थी, लेकिन उनका कुछ उद्देश्य भी था, उनके कुछ मुख्य उद्देश्य भी थे। वो क्या थे आइए देखते हैं। भारत को स्वाधीनता दिलाना। कांग्रेस पार्टी की जो नेता थे वो सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे थे, वो था भारत को स्वाधीन करना, भारत को आजाद। लोकतांत्रिक का मतलब है सरकार का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाए, एक डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना वो चाहते थे। कांग्रेस किसी भी हालत में एकता चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो किसी भी हालत में भारत की एकता को खोना नहीं चाहती थी। वो यही चाहती थी कि भारत में अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनमें एकता जो है वो बनी रहे। भारत की संपन्नता और सांस्कृतिक जीवन को एक सांचे में ढालना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर भारत में इतनी ज्यादा भिन्नताएं थी, भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनकी अपनी संस्कृतियां थी, तो भारत की जो संपन्नता थी, भारत जो है एक समय बहुत ही संपन्न देश माना जाता था, भारत की संपन्नता और यहाँ के अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले जो लोग थे, इन सभी को एक सांचे में ढालना बहुत मुश्किल हो रहा था, उनमें एक जैसी सोच पैदा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी कोई अपने धर्म के बचाव में, अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के होड़ में लगा हुआ था। यही कारण था कि प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई। अब यहाँ पर इस मजबूरी में, जबकि लोग जो हैं वो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी संपन्नता को लेकर के और अपने अपने धर्मों को लेकर के कार्य कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक ही उपाय बच गया था कि प्रादेशिक स्वायत्तता जो है उसे स्वीकार कर लिया जाए। प्रादेशिक स्वायत्तता का मतलब होता है कि अलग अलग जो राज्य हैं, भारत जो है हमारा अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में बटा हुआ था, और हर राज्य को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने हिसाब से उस राज्य को चलाने के लिए नियम कानून स्थापित कर सके और उसी के हिसाब से अपने राज्य का विकास भी वो करे। यहाँ पर केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कोई भी हस्तक्षेप, उसका कोई भी इंटरफेरेंस राज्यों में नहीं होना चाहिए। तो ये जो नियम था, ये जो नीति थी, इसे भारत में लागू कर लिया गया। इसका जो प्रभाव था वो क्या पड़ा? समुदायों की स्वतंत्रता। यहाँ पर अलग अलग समुदाय को जो मानने वाले जो लोग थे अलग अलग राज्यों में रहने लगे और वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे, वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चला सकते थे। सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीके, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग जातियों को जो मानने वाले लोग थे उनकी संस्कृति का विकास होने लगा और वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित भी मानने लगे। पूर्ण सहमति दी गई और ये जो प्रादेशिक स्वायत्तता की जो बात थी इसे सभी लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से सहमति भी दी गई, सभी लोग इसके लिए एग्री भी हो गए। कांग्रेस पार्टी अपने विकास के समय राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र पर बराबर बल देती रही। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर हमारे भारत देश को प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है, सबसे पहली जो बात है वो है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है और साथ ही साथ लोकतंत्र, हमारा देश जो है उसे एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमें आगे लेके आना है। तो इस बात पर वो हमेशा से ही बल देती रही। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो थी उनकी कुछ समस्याएं थी और उनके जो मुख्य उद्देश्य थे
वो इस प्रकार थे। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद बताया गया है ब्रिटिश सरकार की नीति, फूट डालो और राज करो। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपनी नीति के हिसाब से पूरे भारत पर शासन करना चाहती थी, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति थी, वो थी फूट डालो, दो लोगों के बीच में फूट डालना और उसके बाद उन पर राज करना। तो आइए देखते हैं इसके तहत उन्होंने क्या किया। ब्रिटिश सरकार भी एकता और लोकतंत्र का समर्थन करती थी। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी वो भी ऊपरी तौर पर यही दिखाती थी कि वो भी भारत की एकता और लोकतंत्र जो है उसका पूरा पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। लेकिन असल में उनकी नीतियां इस महान तत्वों के विरुद्ध थी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो भारत की एकता चाहती थी या यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहती थी। असली में वो जो नीतियां बना रही थी, नियम कानून बना रही थी, वो इन दो महान तत्व एकता और लोकतंत्र के बिल्कुल विरोध में दिखाई दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनकी नीतियों से और उनके नियमों से कि ये जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में एकता और लोकतंत्र चाहती है। ब्रिटिश की गलत नीतियों का अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा विरोध। कांग्रेस पार्टी जो थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए गलत नियम कानून और नीतियों को अच्छी तरह से समझ रहे थे और इसका उन्होंने 1940 में खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के द्वारा की गई घोषणा, और यहाँ पर उन्होंने विरोध ही नहीं किया बल्कि ब्रिटिश शासक जो थे उनके जो मन में जो बात थी, उनकी जो मंशा थी, उसे अपनी घोषणा के द्वारा उन्होंने आम लोगों तक भी पहुंचाया। उन्होंने ये साफ तौर पर, खुले तौर पर घोषणा भी की कि आखिर ब्रिटिश सरकार जो है उसकी क्या नीति है और वो किस रास्ते पर जा रही है। ब्रिटिश सरकार जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है कभी भी हमारे भारत में एकता नहीं चाहती है, वो जो जनजीवन है, लोगों का जो जीवन है, उसमें वो हमेशा संघर्ष पैदा करना चाहती है। दो लोगों के बीच में वो हमेशा मन मुटाव और लड़ाई को प्रोत्साहन दे रही है, फूट डाल रही है, लोगों के बीच में फूट डाल रही है, और प्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वो दो ऐसे धर्म या दो लोग, जब उनके बीच में किसी तरह का मतभेद है तो उसे सुलझाने की बजाय वो उन्हें उकसाती है, उसे और भी भड़काती है। तो इस तरह की बातें जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ तौर पर लोगों तक पहुंचा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में फूट के बीच डाल दिए थे, और यहाँ पर इसी बीच ये साफ साफ देखा जा रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपनी नीतियों के तहत हिंदू और मुसलमानों में फूट के बीच उन्होंने डाल दिए थे, मतलब उनके बीच में बहुत सारे ऐसे मतभेद पैदा कर दिए थे, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स पैदा कर दिए थे, जिससे कि हिंदू और मुसलमान जो कि एक समय मिलजुल कर इस भारतवर्ष में रहा करते थे, अब उनके बीच में दुश्मनी जो है वो पनपने लगी थी। तो आइए देखते हैं आगे। इसके आगे है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था आरंभ करने का संकेत। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपनी एक नई व्यवस्था भारत में शुरू करना चाहती थी, वो अपने हिसाब से भारत देश पर शासन करना चाहती थी, एक नए एडमिनिस्ट्रेशन की वो शुरुआत करना चाहती थी। आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासन की भारत में नई व्यवस्था आरंभ करने की योजना, ब्रिटिश सरकार जो है उसने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि किस तरह से वो अपने तरीके से भारत में राज करेगी। भारत के एकता की बलि चढ़ाने की बात, यहाँ पर इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अगर भारत की एकता को भी तोड़ना पड़े तो इसके लिए भी वो तैयार थी। उनके विचार से भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं था, और ब्रिटिश सरकार जो है वो यही कह रही थी कि लोकतंत्र भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी सही व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों को, अलग अलग जातियों को मानने वाले लोग हैं, ऐसे देश में लोकतंत्र जो है किसी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ब्रिटिश शासन को नई व्यवस्था आरंभ करने से रोक नहीं पाई। कांग्रेस जो थी वो अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नई व्यवस्था लाई जा रही है वो किसी भी हालत में भारत में लागू ना की जा सके, लेकिन इस नई व्यवस्था को आरंभ करने से वो ब्रिटिश सरकार को किसी भी हालत में रोक नहीं पाए, न ही सांप्रदायिक समस्या को सुलझाया जा सका। और यहाँ पर जो एक सांप्रदायिक समस्या आ गई थी, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो मतभेद शुरू हो गए थे, उसको भी कांग्रेस जो है वो किसी भी हालत में सुलझा नहीं सकी। हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे। इसके आगे है सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ावा। यहाँ पर ब्रिटिश शासन जो है उसने पूरी तरह से सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। खुले आम वो लोगों के बीच में मतभेद बढ़ा रही। ब्रिटिश शासन द्वारा सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय का समर्थन एवं पोषण। सामंती का मतलब है ऐसे राजा या ऐसे जमींदार
जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़ा खजाना हो और वो बहुत ताकतवर हो। तो इस तरह के जो सामंती लोग थे और जो प्रतिक्रियावादी थे, प्रतिक्रियावादी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भी नए नियम कानून या किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग थे उनका उपयोग ब्रिटिश सरकार है वो अपने फायदे के लिए कर रही थी, और यही कारण था कि वो इस तरह के जो लोग थे उनका पूरा समर्थन भी करती थी और उनका पोषण भी करती थी, पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए हर सुविधा वो दे रही थी। सामंती और प्रतिक्रियावादी लोगों की संख्या कम थी, यहाँ पर सामंती लोग और प्रतिक्रियावादी जो लोग थे इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन संख्या कम होने के बाद भी इन्हें ब्रिटिश सत्ता की मदद मिल रही थी, लेकिन संख्या कम होने के बाद भी इन्हें पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार जो है उनकी मदद मिल रही थी। ब्रिटिश सरकार हिंदू मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करना चाहते थे। यहाँ पर यह साफ नजर आ रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी करना चाहते थे, मतलब उनके बीच में अंतर लाना चाहते थे, उनके बीच में विरोध पैदा करना चाहते थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके मुख्य नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के हित की सुरक्षा करना। चूंकि वो एक ऐसे देश में रहते थे जहां पर कि हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी, तो ऐसे देश में वो अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते थे। अब यहाँ पर जो हिंदू महासभा है ये भी एक राजनीतिक पार्टी थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अखंड हिंदुस्तान की स्थापना करना। मतलब यहाँ पर भले ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग क्यों ना रह रहे हों, लेकिन उनमें एकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दो पार्टियां थी इनके बीच भी कुछ बातों को लेकर के बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारे डिस्प्यूट थे, लेकिन इन मतभेदों को और ज्यादा प्रोत्साहन जो है वो ब्रिटिश सरकार दे रही थी। इन दोनों पार्टियों में मेल मिलाप कराने की बजाय जो इनके मतभेद थे उनको और ज्यादा वो बढ़ा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध करने की भी कोशिश की थी। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी उसने सांप्रदायिक संगठन, अलग अलग धर्मों के जो लोग थे उनके बीच में एक संगठन बना हुआ था, उन संगठनों के जो नेता थे उनको भी उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध भड़काया था, और कांग्रेस के विरुद्ध उनको भी करने की उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह से सांप्रदायिक मतभेद को पूरी तरह से बढ़ाने का काम ब्रिटिश सरकार कर रही थी। आइए आगे देख लेते हैं जिन्ना के दो राष्ट्रों का सिद्धांत। अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के मुख्य नेता थे उनके पास एक सिद्धांत था, और वो सिद्धांत था दो राष्ट्रों का सिद्धांत। अब ये दो राष्ट्र कौन से थे आइए देखते हैं। जिन्ना मुस्लिम लीग के कर्णधार थे, इन्होंने ही इस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, ये इसमें एक मुख्य नेता के रूप में कार्य कर रहे थे। जिन्ना एक नया सिद्धांत लेकर के आए, तभी एक नया सिद्धांत जिन्ना के द्वारा लाया गया। वो क्या सिद्धांत था? भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है यहाँ पर दो राष्ट्र एक साथ रह रहे हैं, मतलब कि एक राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र है जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और दूसरा जो राष्ट्र भारत में शामिल है वो है मुसलमानों का राष्ट्र जिसमें सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत में दो राष्ट्र शामिल है। और इसके बाद ये जो सिद्धांत जिन्ना लेकर के आए थे, इसी सिद्धांत से भारत पाकिस्तान विभाजन की सोच का विकास हुआ। अब यहाँ पर इसी सिद्धांत को देखते हुए लोगों में एक सोच पनपने लगी, एक सोच का विकास होने लगा, और वो विकास था भारत और पाकिस्तान विभाजन का। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, परंतु समस्या यह थी कि हिंदू मुसलमान पूरे देश में फैले हुए थे, लेकिन यहाँ पर भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक भाग जो था या एक क्षेत्र जो था वो हिंदुओं का था और दूसरा क्षेत्र जो था वो मुसलमानों का था। भारत देश में हिंदू और मुसलमान पूरे देश में फैले हुए थे, वो मिलजुल करके यहाँ पर रह रहे थे, और यही कारण था कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके विचार थोड़े से अलग थे। राष्ट्रीयता का आधार धर्म को कहना सही नहीं था। उनके हिसाब से किसी भी देश की राष्ट्रीयता का जो आधार है उसे धर्म को नहीं माना जा सकता। भारत में कई धर्म को मानने वाले लोग थे। भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर कि कई धर्म को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल करके रहते थे। अगर हम भारत के अतीत को भी देखें, अतीत में भारत को बहुराष्ट्रीय राज्य माना जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि जो हमारे भारत का अतीत है उसमें भारतवर्ष में बहुत सारे राष्ट्रों के, बहुत सारे देशों के लोग आकर के यहाँ पर रहने लगे और एक साथ मिलजुल करके वो यहाँ पर रहा करते थे। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास बाद में हुआ। अब यहाँ भारत में अलग अलग देशों से लोग आकर के रहने लगे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया
और ये जो राष्ट्रीय चेतना है इसका विकास भी धीरे धीरे होने लगा। हमारे धर्म संस्कृति और परंपराओं से भी वो जुड़ गए और इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का भी विकास होने। इस तरह से जिन्ना के मन में ये जो दो राष्ट्र का सिद्धांत आ चुका था, समय के साथ ये जो सिद्धांत है, ये जो एक विचार था, उसे और बल मिलता गया और आखिर हमारे भारत देश का विभाजन दो भागों में कर दिया गया। एक भाग भारत कहलाया और दूसरा भाग जो है वो पाकिस्तान कहलाया। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 7 अंतिम दौर 2, इसका जो ये आखिरी शीर्षक था, अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, इसका भावार्थ भी यहाँ पर खत्म होता है और आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पुस्तक के जो बचे हुए पाठ हैं उनका भावार्थ भी हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।